YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वा से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहाड़ों के हसीन वादियों के बीच से आज का एक और नया ब्लॉग। मौसम की बात करें तो आजकल आसमान एकदम से साफ रहता है और दिन में अच्छी सी धूप खिली रहती है। आज का मौसम कुछ इस तरह से है, तो आसमान आजकल एकदम से साफ रहता है और दिन में अच्छी सी धूप खिली हुई रहती हैं। और सामने पे जो ये हमारे गौशाला हैं, इनमें है ये घास का खुम्बा, तो इतने घास काट रखे हैं आजकल लोगों ने, तो हमेशा ये काटते हैं सर्दियों में, तो ये सब लगा रखे हैं कूड़ा में खुम्बा। तो आज मेरा घर में हो रखा है बहुत सारा काम। तो सबसे पहले काम है मेरा एक कंडी हरी घास की बनाना, तो वो घास मैं अपने सगवाड़ में बनाऊँगी यहाँ घर के बगल में। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ घास की कंडी बनाने के लिए, और उसके बाद मेरा बहुत सारा काम हो रखा है घर में। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से घास की कंडी बना देते हैं। अभी आ गई हूँ मैं अपने सबसे नीचे वाले सगवाड़े में, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक कंडी हरी घास बनाऊँगी, और उसके बाद मेरे हो रखे हैं बहुत सारे कपड़े धोने के लिए, तो फटाफट से मैं एक कंडी घास की बना देती। अभी मैंने यहाँ पे एक कंडी घास की बना दी है, तो अभी मैं इसको घर में रखती हूँ। अभी मैंने घास की कंडी भी बना दिया है और वो मैंने अभी यहाँ पे रखी हुई है, तो इसको शाम को ले जाएंगे ऊपर वाली गौशाला में। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बैठ रखी हूँ और अब सोच रही हूँ मैं सबसे पहले मैं अपनी टाऊँगी कपड़े धोने का काम, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं धोने के लिए, तो सबसे पहले मैं कपड़ों को धो लेती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना घास बनाने का काम निपटा दिया है और अब धोने हैं मैंने इतने कपड़े, तो एक बाल्टी भर रखी और आधे ये नीचे पे हैं, तो अभी मैंने इनको धोना है फटाफट से, तो इनको मैं घर पे ही धोऊंगी, क्योंकि हमारे गांव में पानी की कोई कमी है नहीं, सबके घर में अपना अपना नल लगा हुआ है, तो इसलिए कपड़े भी हम घर पे धोते हैं, नहीं तो कहीं कहीं ना कपड़े धोने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है क्योंकि पानी रहता नहीं उतना। तो हमारे गाँव में भगवान की कृपा से पानी भरपूर मात्रा में है, तो चलिए फटाफट से इनको धो देते हैं। और सबसे पहले मैं इनको इस बाल्टी में भिगोने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं इनको धोती हूँ तब तक ही इसमें भीग जाएंगे अच्छी तरह से। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। अभी मैंने यहाँ पे कपड़े धोने का काम भी निपटा दिया है और कपड़े भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं, तो अब बचा है मेरा खाना बनाने का काम। तो सबसे पहले मैं अपने पापा के लिए चाय बनाती हूँ और उसके बाद फटाफट से खाना भी बना देती हूँ, तो उसके बाद जाऊँगी मैं मैच देखने, टाइम लगेगा तो, नहीं तो आज रहने दूंगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है घर में, तो थकान भी लग गए हैं, टाइम भी उतना नहीं हो पाता, तो 3 बजे बच्चे भी आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लग पाता। और अगर जाऊंगी तो आप लोगों को भी मैच दिखाऊंगी, और नहीं जाऊंगी तो फिर कभी दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं और काम निपटा देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर इतने कपड़े धो दिए हैं, तो इतने सारे कपड़े हो रखे थे आज धोने के लिए, और अभी ये काम निपट चुका है। और अब सबसे पहले बनाती हूँ पापा के लिए चाय, और यहाँ पे दीदी ला गई है बजरी का कट्टा। बुढ़ी है, वो दांत टूटा था, आंख फूटा था, बजरी काट दे दी। आंख फूटा रंजीता, तब ले तो बजरी कट्टा। तो यहाँ पे दीदी ने ले जा रखा था हमारे घर से बजरी, और उसके बदले में आज ला रही हैं। 5 कट्टा ले जा रखा था, तो कल ले गई थी, आज ला गई वापस।
अभी यहाँ पे बैठा है राहुल भुल्ला। तो राहुल भुल्ला कल आए घर और मैच खेलने के लिए। तो राहुल भुल्ला को ना यहाँ पे घाम हो रहा छक, यानी धूप। हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप खिली रहती है सर्दियों में भी। तो अभी मैंने राहुल भुल्ला को चाय भी पिला दी और गिलास भी मैं नीचे पे रखा हुआ है। तो कैसा रहा सफर भाई राहुल भुल्ला? बस बढ़िया। बढ़िया कदी छुट्टी? एक डेढ़ महीना, दो साल बाद आया तब एक डेढ़ महीना ठीक ही है, है? अभी शाम के 4:30 बज चुकी है। तो यहाँ पे अभी बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और अभी मेरा काम है, हमारा आज सीमेंट का ट्रक आ रखा है। तो अभी मैंने जाना है सीमेंट सारने के लिए। तो आधे रास्ते में मेरे पापा सारे और आधे रास्ते में अभी मैंने जाना, जितना भी टाइम होगा तो कुछ मैं भी सारूँगी। और तो हमने लोगों को बोला था दिहाड़ी पे सारने के लिए, तो लोग आज मिले नहीं क्योंकि आजकल लोगों का भी अपना सारा काम हो रहा है तो इसलिए लोग नहीं मिले। तो कुछ कुछ हम सारेंगे, तब तक देखते हैं कितना सार पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरामैन अभी बनी हुई है प्रियांशी, क्योंकि जो मेरा सेल्फी स्टिक था वीडियो बनाने का वो मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए अभी मेरी कैमरामैन बन रखी है प्रियांशी। यहाँ पे अभी एक कट्टा कामनी लेके आ गई। तब माथी चल, माथी चल। तो अभी हमने केवल 50 कट्टे मंगा रखे हैं। तो यहाँ पे रख रहे हम सीमेंट को। तो यहाँ पे आगे हैं कितने कट्टे? 9 कट्टे आगे। एक कट्टा यहाँ पे ताई लाई, एक मम्मी और एक भाभी जी, और एक कट्टा यहाँ पे मेरी भाभी जी लाई। कुल मिला के हमारे 9 कट्टे आ गए हैं। और एक वहाँ पे कौन ला रहा है? और यहाँ पे आराध्या क्या हो बोल रही? क्या बनी आराध्या, बोल क्या बोल रही? आज मैं और यहाँ पे एक कट्टिया फिर ताई ला गई, तो 10 कट्टे पूरे हो गए। क्या बोल रही थी आराध्या? मैं बोल रही थी अच्छा समझ गई, तू कह रही कि आज बुआ डांस करी है, ऐसा कह रही? अरे यार आज तो मुझे टाइम नहीं है, बहुत काम पड़ा है मेरे पास। आपको करना ही पड़ेगा। कल करेंगे ठीक है, आज मेरा काम हो रहा है थोड़ा सा। एक बार हाँ। क्या डांस करना है एक बार? जो जो चल तू भी आएगा मेरे साथ, सीमेंट सर ने आएगा या चल तो चल। हाँ बोला हाँ बोला। अच्छा 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 अभी मैंने अपने लिए शॉल और रस्सी यानी जूड़ा निकाल दिया है। तो अब मैं चलती हूँ, देखते हैं मैं कितना कट्टा ला पाती हूँ। तो जो जो आ जो जो अले। तो जो जो ना जैसे बिल्लियों को देख रहा वैसे उनके पीछे ऐसे भाग रहा उनको काटने के लिए, पता नहीं क्या खुंदक है इसकी। जो जो उसके जो जो कह रही मैं सॉरी बिल्लियों के साथ। ये बूटी एक कट्टा ये है यहाँ पे और एक कट्टा लगे है चाची जी। घास नहीं जाए चा? ये यहाँ पे पापा ने लगा दिया है मेरी सीमेंट की भारी, और ये रहे यहाँ पे सीमेंट के कट्टे। जो क्या कर रहा हूँ, क्यों जानू वो है अवन? और 4 कट्टे यहाँ पे रखे हुए मेरे पापा ने। तो जो मैं ले जा रही इसको मैं घर में रख के आती हूँ, फिर इन्हें ले जाती। बढ़ाई नहीं। अभी मैं एक कट्टा रख के आ गई हूँ। तो एक कट्टा यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पापा ने आधे रास्ते में, तो अभी मैंने इसको ले जाना है। और घर जाते जाते ना चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे लगे है, तो मैंने वो गर्म स्वेटर उतार दी। घर में तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, लेकिन जैसे इधर उधर जा रहे चल रहे तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है इस टाइम पे भी। तो अभी मैं वो स्वेटर उतार के आ गई हूँ और अब फटाफट से इसको ले जाना है मैंने, इसको घर पहुँचाना। उसके बाद फिर एक सड़क में जाना है एक कट्टा लेने। तो आज तो इतने सार पाएंगे क्योंकि टाइम भी अब होने वाला है अंधेरा। तो
तो अब हम सीधा कल सारेंगे और आज वहाँ पे उसके ऊपर से बरसाती वगैरह रख देंगे उसको अच्छे ढंग से, ताकि वो ख़राब ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।